हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्विक एंड इजी मटन हांडी बनाने की रेसिपी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg मिक्स मटन। स्पाइसेस में मेरे पास है 2 teaspoon रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 tablespoon फुल भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 tablespoon फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon फुल कच्चा पपीता, 1 tablespoon जितना मुझे लेमन चाहिए होगा। यहाँ पे है 1/2 cup थिक योगर्ट। ये चीज़ें मैरिनेशन में यूज़ होंगी, साथ में 1 tablespoon सोया सॉस। बाकी दम पे जाएगा क्रीम 2 tablespoon, कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्चें और 2 tablespoon मिल्क पाउडर। इसके अलावा 1/2 cup ऑयल भी यूज़ होगा। दही में मैं ऐड करूँगी 1 tablespoon सोया सॉस, नींबू का रस, और ये सारे ही स्पाइसेस, रेड चिली, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, अदरक लहसुन की पेस्ट और कच्चा पपीता। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसमें मटन ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना। मटन को मैरिनेट हुए 1 आवर हो चुका है, 1 घंटा पूरा हो गया है। पॉट पे मैं 1/2 cup ऑयल लूंगी। और इसमें ये मैरिनेटेड मटन को ऐड कर दूंगी। और इसे कवर कर दूंगी ताकि इसके सारे जूसेस रिलीज हो जाएं। मैं इसे पॉट में बना रही हूँ। अगर आपके पास मट्टी की हांडी है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पे मटन और दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और ऑयल सरफेस पे आ गया है, तो अब मैं इसमें 1 cup पानी ऐड करूँगी ताकि इसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पे कवर कर दूंगी। मटन यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। और इसे मिक्स कर लूंगी। और साथ ही इसमें ऐड करूंगी 2 tablespoon फ्रेश क्रीम। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। लास्ट में इसमें जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए इसको दम कर देंगे। तो ये रेडी है हमारी मटन हांडी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching. Allah Hafiz.